और एक एक कई सारी खबरें आई। एक विशेष सत्र हो रहा है संसद का, जो हनुमान जो हमारे गणेश चतुर्थी आने वाली है ठीक उसी के वक्त जो है ये हो रहा है, और क्या नई संसद में होगा इस पर भी चर्चा हो रही है। बीच में ये भी आया कि वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है, यूसीसी आ सकता है, महिला बिल आ सकता है, और कई सारी महत्वपूर्ण चीजें आ सकती हैं। और आज ही INDIA की बैठक थी, आप समझ गए होंगे कि कैसे एक के बाद एक खबरें आती रही और खबरों में यही चलता रहा, और फिर आखिर में सबसे बड़ी खबर आई कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ ही हो जाए, यानी अभी ये सत्र जो है आखिरी सत्र हो। कई तरह की अटकलें लगा दी गई, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और सवाल बड़ा उठाया था के शर्मा जी ने, के शर्मा जी का सवाल ये था, के शर्मा जी मेरे साथ है, अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ है, विनय मिश्रा जी मेरे साथ है, और एके वाजपेयी जी मेरे साथ। विनय मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल, इन तीन बैठकों में निकला क्या? देखिए, मेरे को उम्मीद है आप मुझे बोलने देंगे, क्योंकि दोनों का आपने बहुत समय दिया। मैं पहले इन मीटिंग का फायदा गिनाना चाहता हूं। दूसरी मीटिंग में NDA को, मोदी जी को 9 साल में पहली बार अपने सारे घटक दलों की याद आई, आनंद फानंद में उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करके, शेर अकेला चलता है करते हुए उनके साथ एक फोटो खिंचवा के दिखाई कि हमने सबको, तो उन घटक दलों को सम्मान मिला, ये इस मीटिंग का फायदा हुआ। दूसरा सम्मान, 9 साल में इनको बहनों की याद आई और रक्षाबंधन, हम इतने साल से रक्षाबंधन मना रहे हैं लेकिन 9वें साल में तो रक्षाबंधन की याद आई, और सिलेंडर 200 रुपए घटा के इन्होंने महिलाओं को 200 रुपए जो है सस्ता देने की बात की। तीसरा, मोदी जी को बेरोजगार को रोजगार देने की याद आई और 51,000 नौकरियां आनंद फानंद में, 20 करोड़ रोजगार देने की बात की, लेकिन 51,000 नियुक्ति पर्ची बांटी। अब आपने मैं बताना चाहता मीटिंग से क्या हुआ। विभिन्न दल, विचारधारा अलग, विभिन्न मतभेद, लेकिन एक पटल पे आके सबने अपना मतभेद छोड़ के, मनभेद छोड़ के देश को कैसे आगे ले जाना उस पर आके चर्चा की, देश में भ्रष्टाचार बेरोजगारी कैसे खत्म की उस पर चर्चा की। आज जो मीटिंग हुई उस पर काफी डिसीजन लिया गया, आपने देखा सुबह एजेंडा आया था जिसमें सीट शेयरिंग की बात थी, जिसमें जो है। अच्छा, ये बता दीजिए मीडिया दिल्ली में कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को? देखिए, ये तय करना मेरा काम नहीं, ये तय करना के लिए इंडिया की मीटिंग। पंजाब में कितनी देंगे आप कांग्रेस को? मैंने आपको क्या कहा, आज इसकी इंडिया की मीटिंग हो रही है और इंडिया की मीटिंग में हमारे शीर्ष नेतृत्व वहां गया हुआ, वो इस पे फैसला लेगा। मैं उस पे कहने के लिए अभी देखो, गजब है ना, आप भी काम वो बता रहे विनय जी, मतलब कि गजब का नैरेटिव बना रहे हैं आप लोग। काम मोदी जी करते जा रहे हैं इंडिया से डर के, सिलेंडर भी सस्ता कर दिया, बेरोजगारी को भी याद आ गई। अरे ये काम आप करिए ना सर, कुछ ऐसा नैरेटिव तो बनाइए। ये काम भी मोदी जी कर देंगे तो आप क्या करेंगे? सरकार में मोदी जी उनसे पूछना चाहते हैं कि जो है चाइना को लाल आग दिखाने की, चाइना में पहुंच गया सिलेंडर से सीधे चाइना पे। विनय जी देखिए, मुद्दों पे बात करेंगे ना, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। महिमा मंडन के लिए नहीं बैठे हम लोग, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करने के लिए नहीं बैठे। देश जिस परेशानी से जूझ रहा है उस पर चर्चा करने बैठे, और विपक्ष का हमेशा काम है कि देश में जो दिक्कत हो, जो समस्याएं हो, उसको पटल पर उठाने का, विपक्ष वही काम। वाजपेयी जी क्या कहेंगे विनय मिश्रा जी की इस बात पर, निकला क्या 3 दिनों में? आ रहा हूं के भाई, वाजपेयी जी को एक बार। दीपक जी, ये चल रहा है कार्यक्रम 1 साल हो गया, सितंबर में नीतीश बाबू ने शुरू किया था ये, और 1 साल में ना चेहरे का नाम आया, कोई चेहरा सामने आया, ना कोई कन्वीनर बना, ना सेक्रेटरिएट बना, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, ना कोई कमेटी बनी। कहां पहुंचिए, जहां चले थे वहीं खड़े हैं। हाँ, अब ये जरूर आया कि लोगों निकालेंगे, लोगों से क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन पार्टी चुनाव वो लड़ती है जिसका सिंबल होता है, सारी पार्टियां अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी। मुझे ये बताइए कि ये कैसे मोदी जी का मुकाबला करेंगे? महंगाई की बात करते हैं, अभी कल ही दे दिया ना 200, ये तो मान ही रहेगा 200 रुपए सिलेंडर दिया, और गरीब गुरबा को 400 रुपए कम किया सिलेंडर, तो ये इसका श्रेय मोदी जी को जाएगा, इनको चला जाएगा? मतलब हमें तो ताज्जुब है इनके। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस वर्सेस ममता है, कांग्रेस वर्सेस अखिलेश है, कांग्रेस वर्सेस वो आंध्रा वाले रेड्डी ब्रदर्स है, कांग्रेस वर्सेस KCR है, और कांग्रेस की दुविधा ये फंसी हुई है कि किस तरीके से अपनी पार्टी का वोट बढ़ाए या रिवाइव करें। आप याद करिए 88 में VP सिंह जब निकले थे कांग्रेस से, उनके माध्यम से ही ये वोट छत्रप ले गए थे, चाहे लालू हैं, चाहे शरद यादव थे, चाहे अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह थे या ममता दीदी थी, वो वोट कांग्रेस के पास आज तक वापस नहीं आ पाया।
तो कांग्रेस की पहली प्रायोरिटी है कि उसको वापस लाओ, और उसी में अगर वो सीटें नहीं लड़ेंगे तो कैसे वोट वापस आएगा, और छत्रप अगर सीटें नहीं लड़ेंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इनकी यहां आने वाली है, इस समस्या का सॉल्यूशन पहले इनके पास है ही नहीं कोई निकालने का। और मान लो निकाल लिया इन्होंने, जैसा ये कह रहे कि 1-to-1 करेंगे हम, चलो 1-to-1 कर लो, तो 1-to-1 करने के बाद ये सबके अंदर जो है ना जी, वो खिचड़ी सरकारों वाला मामला याद करो, देवीलाल जी बन रहे थे, फिर वो माहौल ऐसा बना के उन्होंने अपना उतार के मुकुट वीपी सिंह को रख दिया था, और कांग्रेस चलने नहीं देती। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, अगर उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो वो कभी भी टांग खींच रहती है, किसी भी ग्राउंड पे खींच रहती है, ये तो इतिहास की बातें हैं। ठीक है, हमारा सीधा कहना है कि मोदी सरकार ने जो 9 साल में काम किए उस काम के बेस पे जनता के बीच में जाएगी। और ये सेशन बुलाया जा रहा है, इसमें यह भी पता चला है सूत्रों से, आप लोगों के जो सूत्र है, कि वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं। अगर वन नेशन वन पोल होगा तो देश का कितना भला होगा। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है, नीतीश बाबू के बयान है, अखिलेश बाबू के बयान है, उद्धव ठाकरे के बयान है, ममता के बयान, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं वाजपेयी साहब से, ये हो गया तो सारा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देश हित का सबसे पहले है मोदी जी के लिए, और उसी में सोचते हैं, ठीक है, उसी में काम, वो सीधा सवाल उठा रहे हैं, काम तो फिर भी मोदी जी कर रहे हैं। वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ, हाजीपुर से चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे कि उनके चाचा चुनाव लड़ेंगे, इसका भी जवाब दे दे लगे हाल इसी शो में। अरे यार, वो देश की चिंता की बात कर रहा ना, हमें चुनाव की चिंता, देश की चिंता करनी है, जनता की चिंता करनी है, चुनाव अपने चुनाव की नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, सॉरी, नो आंसर हमें नहीं करनी चुनाव की, इसीलिए हमें चुनाव की चिंता नहीं करनी, देश की जनता की चिंता करनी। और मोदी जी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, कहाँ से लड़ेगा मोदी जी, कर रहे हैं तो बगल झांकने लगे। अरे मेरे भाई अखिलेश जी, अरे मेरे भाई, आप तो कहीं से मेरे प्रिय अनुराग भाई, मेरे प्रिय अनुराग भाई, इंडिया वालों को तो बोलने दीजिए, एक ही गठबंधन है, आप उनके भी बीच में टपक रहे हैं, विनय मिश्रा अपनी बात रख रहे हैं, उसके बीच में ही बोल रहे हैं, कैसे चलेगा आपका गठबंधन है, टीवी में ही बहस नहीं कर रहे हैं आप विनय मिश्रा जी को। वाजपेयी जी के, मैंने समय वाजपेयी जी को बोल रहा था कि वाजपेयी जी भैया, दूसरों से तो बहुत पूछते हो, आपसे पूछ लिया जाता है तो कहने लगते हो नहीं 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 नहीं, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, पूछो ना, क्या पूछो, पूछो क्या पूछ रहे हैं, अरे पूछिए ना अनल जी, पूछो क्या पूछ रहे हैं, अभी पूछोगे तो हम बताएंगे ना, हम बताएंगे, जवाब देंगे ना। सीन